दोस्तों आपके पास भी वन प्लस का फोन है या वन प्लस नोट फोन है जिसमें कॉल आने पे आपका स्क्रीन लॉक हो जा रहा है और पावर बटन दबाने के बाद ऑन होने के बजाय फोन कट कर जा रहा है, तो इस समस्या का समाधान मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वैसे तो आपको कई SOS कोड दे देंगे, वीडियो में आपने कई देखा होगा इंटरनेट, लेकिन दोस्तों वो एक टाइम के लिए होता है। लेकिन ये जो मैं आपको एक सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो आपके हर एक फोन में होती है, और खास करके अगर आपका वन प्लस का फोन है या वन प्लस का नोट फोन है या वन प्लस का कोई मॉडल फोन है, तो उसमें आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा। दोस्तों आपको अपने OnePlus के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एप्स का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको एप्स में चले जाना है। एप्स में जाने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा एप्स मैनेजमेंट। दोस्तों एप्स मैनेजमेंट में आ जाना है। दोस्तों ये ऑप्शन अगर आपके पास OnePlus का कोई भी सीरीज का 12 एंड्रॉइड वर्जन अपडेटेड है उसमें भी ये काम करेगा आपको। इसमें आने के बाद दोस्तों ये ऊपर सर्च दिख रहा है, इसको सर्च में एक सर्च करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सो सिस्टम में ये सारे सिस्टम एप्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों कॉल। सर्च करने के बाद दोस्तों ये जितने आपको ट्रू कॉलर दिख रहा है इसको छोड़ के, मेरे में ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर को छोड़ के दोस्तों आपको क्या करना है, सारे पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों इसको क्लियर कैश एंड क्लियर डाटा ओके कर देना है, परमिशन ये कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फोर्स टू स्टॉप भी कर देना है। वैसे ही दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग में आपको जाना है, इसको बाद इसमें भी सिंपली क्लियर कैसे और फोर्स टू स्टॉप आपको करना है। वैसे ही आपको कॉल फीचर सेटिंग में भी दोस्तों करना है। अब स्टोरेज डाटा एक बार मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मेरे कैसे क्लियर दिख रहा है और मेरा ये प्रॉपर काम कर रहा है। जो मैं आपको आज वीडियो डाल रहा हूं, आज ही मैंने सुबह में किया है अपना ये सेटिंग, जिससे मेरा प्रॉपर जो मेरा कॉल आने के बाद या कॉल करने के बाद मेरा स्क्रीन जो ऑफ हो जा रहा है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फोन को आपको रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप ये 100% आपको काम करेगा जो मैं आपको ये बताया हूं। दोस्तों अगर आपके फोन में ये नहीं काम कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझसे ये पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक है जो 100% वर्किंग है, जो OnePlus के किसी भी फोन में OnePlus Note, OnePlus Note 2, OnePlus CE, जो नॉर्मल से लेकर हाई रेंज तक फोन है और एंड्रॉइड 12 अपडेटेड है, उसमें सब में काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।